भगवान बुद्ध की 8 अस्थियां या रिलिक्स देखने के लिए आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन या किसी दिन राष्ट्रीय संग्रहालय आइए। राष्ट्रीय संग्रहालय आने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन राजीव चौक से अंडरग्राउंड मेट्रो लें और उद्योग भवन के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से बाहर निकलें। गेट नंबर 2 से बाहर निकलकर मौलाना आजाद रोड पर आप चलें। सबसे पहले उद्योग भवन पड़ेगा, उसके बाद उद्योग भवन से आगे की जो बिल्डिंग है वो निर्माण भवन है। निर्माण भवन के पासिस को जब आप पास करेंगे तो तीसरी जो बिल्डिंग आएगी सरकारी दफ्तर, वो है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के कोने पर जाकर आप सामने देखेंगे तो जनपथ रोड आएगा। जनपथ रोड को क्रॉस करेंगे तो सामने बिल्कुल नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय का गेट आपको दिखाई देगा। इस राष्ट्रीय संग्रहालय के गेट में इन गेट से आप चेकिंग कराने के बाद अंदर पहुंच जाइए। अंदर पहुंचकर लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के जो पत्थर शिलाएं हैं, पत्थर की किताबें हैं, जिनमें अशोक लिपि पर वहां बहुत कुछ बुद्ध और बुद्ध की सभ्यता और बुद्ध की कल्चर के बारे में लिखा हुआ है, वो आपको अशोक लिपि में वहां मिलेंगे। साथ में लिखा मिलेगा वहां पर बोर्ड जिसमें सम्राट अशोक की राज आज्ञाओं के बारे में इंग्लिश और हिंदी में आपको जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय संग्रहालय में जब आप एंटर करेंगे तो आपके मुख्य गेट के दोनों तरफ आपको बहुत सारी शिल्पकलाएं मिलेंगी। मुख्य गेट से जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आपकी एक और सिक्योरिटी चेक होगा, फिर सामने काउंटर से आप 20 रुपये का टिकट ले लें। स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए 20 रुपये का टिकट फ्री है, किसी भी दिन आए सोमवार को छोड़कर। बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए 9 बजे पहुंच जाएं। जब आप वहां से गैलरी में एंटर करेंगे तो आपको हजारों आर्टिकल, हजारों चीजें हड़प्पा सभ्यता कालीन, राखीगढ़ कालीन या जो मूल निवासियों के अवशेष हैं वो सारे के सारे यहाँ मिलेंगे। पूरी बिल्डिंग अवशेषों से, रिलिक्स से भरी पड़ी है और बुद्ध का तो जगह जगह आपको हजारों आर्टिकल पूरे देश के यहाँ पे दिखाई देंगे। जब आप 3-4 हॉल पार कर लेंगे तो एक सामने रेलिंग आएगी और रेलिंग से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सामने आपको एक बहुत सुंदर गोल्डन कैस्केट दिखाई देगा। उस कैस्केट में भगवान बुद्ध की 22 हड्डियां या 22 अस्थियां या 22 बोन्स रखी हुई हैं। 22 बोन्स ये हमेशा किसी भी दिन देखी जा सकती हैं, मगर बुद्ध पूर्णिमा वाले खास दिन यहाँ बहुत सारे भिक्षु भी आते हैं और ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम भी होता है। पिपरवा एक जगह थी जो कपिल वस्तु के नाम से जानी जाती है। पिपरवा बिरधपुर की एक स्टेट के अंदर आती थी जब अंग्रेजों का राज्य था। एक बहुत शौकीन तौर से आर्कियोलॉजिस्ट थे जो स्टेट मैनेजर भी थे, जिनका नाम था WC पेपे। WC पेपे इंग्लिश थे और उनको बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपनी स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए जंगल साफ कराया करते थे। जंगल साफ कराने के दौरान उन्होंने देखा कि एक ईंटों का बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है। उस स्तूप को देख के उन्हें जिज्ञासा हुई और वो पुराने बहुत ज़्यादा शौकीन पुरातत्व वेत्ता थे, इसलिए उन्होंने स्तूप की खुदाई कराने का निर्णय लिया। एक शाफ्ट में उन्होंने देखा कि एक रेक्टेंगल का पत्थर का एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 4 कंटेनर रखे हुए हैं। 4 कैस्केट या 4 मंजूसा या डिब्बियाँ रखी हुई हैं जो सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई हैं। उनमें से एक जो डिब्बी थी या एक कैस्केट था, उसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ ऊपर लिखा हुआ है। जांच करने से पता चला कि ये अशोक लिपि है और इस पे लिखा हुआ है कि इसमें भगवान बुद्ध की ऑफरिंग्स यानी गिफ्ट और अस्थियों रखी गई हैं जो उनके शाक्य बहन भाइयों के द्वारा रखी गई हैं। यहाँ सैकड़ों प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई जिनमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तांबा, चांदी, सोना, मूंगा, मोती और खास तौर से 2 चिन्ह मिले, जिसमें एक स्वास्तिक का था जो 4 आर्य सत्य का था और एक सिंह का था, शेर का था। ये सोने की पत्ती के ऊपर आप खास तौर से इसको यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह भारत में मूल निवासियों का चिन्ह है और ये 4 आर्य सत्य को बताता है। ये उल्टा और सीधा दोनों तरह से भारतीय लोगों का मूल निवासी है जो बुद्ध के 4 आर्य
सत्यों का सिद्धांत का बताता है। बुद्ध की अस्थियां वहां बहुत शानदार तरीके से रखी हुई हैं, क्योंकि थाईलैंड के राजा ने इनको कैस्केड में दिया था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और इन अस्थियों को देख के प्रेरणा पाते हैं। आप भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 9 बजे मेट्रो डे के या अपनी गाड़ी से आए तो यहाँ पार्किंग की सुविधा है। यहाँ बच्चों के साथ, परिवार के साथ आइए और यहाँ बुद्ध की अस्थियों को देख के उनसे प्रेरणा प्राप्त कीजिए। हर साल दर साल यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं। 5 मई 2015 को जो स्टेट मिनिस्टर माननीयवर रिजू जी हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो फ्रिगमेंट्स हैं, बोन्स के जो टुकड़े हैं बुद्ध के, इनको नेशनल म्यूजियम से हटाकर किसी स्तूप में रखा जाए ताकि इसको हजारों लोगों को दर्शन हो सके। अब वो समय आ गया है कि इनको एक बहुत शानदार स्तूप में दिल्ली में बना के रखा जाए ताकि करोड़ों लोग इसका लाभ उठा सकें और इसको देख सकें। आप भी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन या किसी भी दिन खास तौर से आप आएं और भगवान बुद्ध की अस्थियों का दर्शन लाभ लें और भगवान बुद्ध की अस्थियों से प्रेरणा पाते हुए इनसे ग्रहण करें। विपस्सी लोग तो इनसे खास तौर से तरंगे भी महसूस करते हैं। धन्यवाद।